हेलो एवरीवन, इसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लासिक्स के मैथ्स का चैप्टर 1 सॉल्यूशन किए थे, एक्सरसाइज 1C का। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1D को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देयर इज सम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग यहाँ पे आज 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। अगर हम लोग कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी क्या है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन सेम वट एवर द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। अगर हम लोग किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सपोज दो नंबर है, एक है 7 है और 6 है, तो 7 6 से कितना होता है, 42। अगर हम लोग उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, 7 × 6 करें या फिर 6 × 7, आंसर क्या होगा, सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स रिमेन सेम वॉट एवर द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर्स। अगर किसी भी तीन इंटीजर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर उसका हम लोग ग्रुपिंग करके, पहला हो सकता है कि हम पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई करें और साथ में और तीसरे को उसके आंसर से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहला को छोड़ के दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करें, उसका अगर हम लोग ऑर्डर चेंज भी करेंगे तो जो आंसर आएगा तीन इंटीजर्स का, वो दोनों का आंसर ऑलवेज इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी थ्री इंटीजर्स। अगर किसी भी हम लोग तीन इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं तो उसका एक इक्वेशन बनता है, दैट इज ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये आप लोगों का, देखिए ये मेरा प्रॉपर्टी है, इस पे वो सेटिस्फाइड करता है। अगर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक पहले हम लोग बी और सी को ऐड करके देन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और ए और सी को, और दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, तो आंसर हमेशा क्या आता है, ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर एन इंटीजर्स ए वी हैव ए इंटू वन। किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जो नंबर रहता वही सेम रहता, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हम लोग हमेशा ऑलवेज 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1D का, देखिए एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई करना, वेरीफाई द प्रॉपर्टी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो देखिए ये मेरा जो पहले प्रॉपर्टी पड़े उसी प्रॉपर्टी पे अगर उसका हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज इक्वल। तो देखिए इसमें दो नंबर दिया हुआ है, ए नंबर में क्या है -9 और 6, तो फर्स्ट इंटीजर्स है -9, तो हम लोग ए को क्या मान लेंगे -9 एंड देन बी इज इक्वल टू 6। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ए का वैल्यू हम लोग क्या लिए -9 और बी का 6। अब मेरा प्रॉपर्टी दिया हुआ है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो ए की जगह हम लोग क्या पुट किए हैं -9। देखिए यहाँ पे हम लोग -9 × 6 दैट इज -54। यहाँ पे भी बस उसका ऑर्डर चेंज हुआ ए इंटू बी इंटू ए, यहाँ पे ए इंटू बी था, यहाँ पे बी इंटू ए, तो यहाँ बी का वैल्यू क्या है 6, ए का वैल्यू -9, तो 6 × -9 दैट इज 54। देखिए दोनों का आंसर क्या है, इक्वल है, इट मीन्स इट इज वेरीफाइड। इस तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई द प्रॉपर्टी ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। तो इसमें देखिए ए का वैल्यू -8 है, बी का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 11 है। तो देखिए इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू क्या है 8, बी का सिर्फ 9 है और सी का मेरा है 11। तो अब देखिए ये जो मेरा इक्वेशन है ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी, तो ए की जगह -8 पुट करेंगे, बी की जगह 9 और सी की जगह 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 11 इज इक्वल टू 99। अब ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 8 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा -792। अब ठीक इसी तरह देखिए ए का वैल्यू -8 था, बी का वैल्यू 9, तो 8 × 9 = 72, तो हम लोग क्या लिखे -72। अब सी का वैल्यू मेरा 11 था, जो -72 आंसर है उसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आया -792। तो इट मीन्स की LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई द प्रॉपर्टी ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो देखिए इसमें भी ए बी सी का, ए का वैल्यू 9 है, बी का -11 और सी का वैल्यू क्या है 8।
तो इसको हम लोग इसी इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले a का वैल्यू हम लोग पुट किए हैं a इंटू बी प्लस सी, तो a का वैल्यू मेरा क्या है 9 है, तो हम लोग 9 लिखे। b का वैल्यू था -11, c का वैल्यू 8 था। अब तो देखिए ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, तो -11 प्लस 8 पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाए, उसके बाद इसको ऐड करें तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -11 में से 8 जाएगा तो -3 होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 बचा है, a का वैल्यू 9 है, तो 9 3 = 27। अब इसी तरह हम लोग ये वाला दूसरे में a को b से मल्टीप्लाई की, a का वैल्यू क्या है 9, b का वैल्यू है -11, तो हम लोग -11 को मल्टीप्लाई किए तो मेरा आंसर आया -99। अब यहाँ पे a इंटू सी, ए का वैल्यू 9 × 8 दैट इज 72। अब देखिए बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 99 में से 72 माइनस होगा तो मेरा आंसर आएगा -72। मीन्स कि ये भी इक्वेशन मेरा वेरीफाइड होगा। अगर इक्वेशन वेरीफाइड होगा तो वेरीफाइड लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नॉट वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, मल्टीप्लाई करना है 13 by -8। ये सिंपली है, बस जहां बाई है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे। देखिए 13 बाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन पुट किए -8, 13 × 8 = 104। देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम लोग माइनस का साइन पुट किए। इसी तरह देखिए एक क्वेश्चन नंबर एफ है, 0 है, कोई भी नंबर को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज भी 0, तो 0 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा आया आंसर 0। इस तरह से क्वेश्चन जो है बस उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और साइन को देखना, अगर एक भी इंटीजर्स में नेगेटिव साइन होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर दोनों में पॉजिटिव या दोनों में नेगेटिव हो तो आंसर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट करना है, इट मीन्स कि इसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए में -5 × -6 × 8, तो सबसे पहले देखिए -5 है इंटू 6, तो 5 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 × 6 = 30, तो 30 लिखिए और जो थर्ड इंटीजर से उसको हम लोग यहाँ पे उतार लिए, उसका अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 8, 8 × 3 = 24 और 0 पुट हो गया, तो इट मीन्स कि आंसर क्या आएगा 240, ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर ई भी है, इसमें 0 दिया हुआ है, तो बस कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आता है, -8 × 0 = 0। अब हम लोग क्या करें, ब्रैकेट में -37 है, इसको अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब भी हम लोग करते हैं तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए में है 54 × -45 + 54 × -5, तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 54 है, 45 है, फिर प्लस का सिंबल है, फिर 54 है और -5, तो देखिए यहाँ पे 54 मेरा दो बार, एक यहाँ पे 54 है और एक यहाँ पे है, तो हम लोग जब दो नंबर एक साथ भी रहता है और कोई साइन से कनेक्टेड रहता है, देखिए यहाँ प्लस से कनेक्टेड है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, लेकिन बीच में प्लस का साइन पुट है, तो हम लोग क्या करेंगे 54 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से ये दोनों नंबर में से 54 हम लोग कॉमन लिए तो क्या बच गया -45, तो वो लिखे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो वो प्लस का साइन पुट किए, 54 हम लोग ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ क्या बचा -5। अब देखिए ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस, ये वाला -45 उतर गया, प्लस माइनस माइनस इट मीन्स -5, अब -−= होता है तो 45 + 5 = 50, साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब 54 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आएगा -2700। इसी तरह बाकी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर एफ था मेरा 3178 × 10 + 3178 × 16, इसमें भी ये नंबर को कॉमन लेंगे, इसी तरह सिमिलरली बना है, ये जो है वो नंबर उतर जाएगा, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन पुट होगा, ये -16 है, इसको सॉल्व करके आप लोग कीजिएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रू और फॉल्स पुट करना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, तो देखिए क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव, तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि कोई भी दो नेगेटिव नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या फिर प्रोडक्ट निकालते तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इट मीन्स कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जरूरी नहीं है अगर थ्री नेगेटिव रहता है, जब कंपेयर में रहता है जैसे कि 2 रहेगा या फिर 2 नेगेटिव या फिर 4 या फिर 6, तब वो आंसर पॉजिटिव में आता है, यहाँ तो 3 है तो 3 मेरा क्या है ऑड, इट मीन्स आंसर मेरा क्या आएगा नेगेटिव में, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कैन बी 0, तो दो भी किसी भी इंटीजर्स को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यस अगर कोई भी एक इंटीजर्स दोनों में से 0 रहेगा तो आंसर ऑलवेज भी 0। नेक्स्ट है
द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव. तो देखिए दो नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव, इट मीन्स कि थ्री इंटीजर्स है तो दो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव. इट मीन्स कि ये भी ट्रू है, सही है. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ इंटीजर्स एंड अ जीरो इज ऑलवेज एन इंटीजर्स. तो बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर्स और जीरो, तो इंटीजर्स नहीं होगा, ऑलवेज भी जीरो होता, इट मीन्स कि ये फॉल्स होगा. थैंक यू.